हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था जिसके तीन पार्ट्स को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट्स आज हम लोग पार्ट डी देखने जा रहे हैं तो देखिए पार्ट डी क्या है पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि स्टूडेंट्स इस पार्ट में होंगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिनके हम लोगों ने आंसर लिखने हैं चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्ड आर्ट वर्ड आर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स इसके आंसर में हम लोगों ने वर्ड आर्ट की डेफिनेशन लिखनी है हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड आर्ट के ज़रिए हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंजाइट कर सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट इसका आंसर मेरे साथ नोट कीजिए वर्ड आट इज टू इन्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट ठीक है स्टूडेंट ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग डिफरेंट टेक्स स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में इन्जाइट करते हैं चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट वर्ड आर्ट वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन सा टैब यूज किया था स्टूडेंट्स हम लोगों ने टैब यूज किया था इंसर्ट टैब याद है ना आपको तो चलिए स्टूडेंट्स आंसर में मेरे साथ लिखिए इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब ही यूज करते हैं ना हम लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके आंसर में लिख लिया है इन टैब चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है जी स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन पेज मार्जिन पेज मार्जिन क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पेज के एडिस पे जो ब्लैंक स्पेस होती है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं पेज मार्जिन और पेज मार्जिन हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट को मजीद प्रबल दिखाने में और उसे टाइडी और नीट भी बनाता है तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए पेज मार्जिन क्या है ब्लैक स्पेस ऑन द पेज तो स्टूडेंट्स पेज मार्जिन क्या होता है पेज के एजेस पर जो ब्लैंक स्पेस होती है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं पेज मार्जिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं जी हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ लिखिए कंट्रोल प्लस ओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफाइन पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग हम लोग ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग तो चलिए मेरे साथ लिखिए द स्पेस बिफोर एंड After a paragraph. Paragraph के before and after, जो स्पेस हम लोग ऐड करते हैं Students, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफाइन पेज और हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग एम एस वर्ड में पेज ओरटेशन को भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स पेज ओरियंटेशन क्या थी पेज ओरिएंटेशन थी लेआउट पोजीशन ऑफ पेज और वो कौन कौन सी टाइप्स की थी वो थी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसके आंसर को लिख लीजिए पेज ओरिएंटेशन क्या है लेआउट पोजीशन ऑफ पेज

हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इनजर्ट टैब टैब में हम लोग जाते हैं सिम्बल्स ग्रुप में और सिम्बल्स ग्रुप में स्टूडेंट्स एक ऑप्शन हमें मिलती है सिम्बल्स की जिसको हम लोग क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट सिम्बल्स आते हैं जिन्हें हम लोग सिलेक्ट करके इनजर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ ये स्टेप्स लिखिए सबसे पहले क्या करेंगे कौन से टैब में जाएंगे स्टूडेंट्स इंजैब और फिर ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स हम लोग फिर जाएंगे सिंबल्स ग्रुप में और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सिंबल्स ऑप्शन को जो कि स्टूडेंट्स किस तरह की होती है इस तरह का एक आप लोगों को बटन नजर आएगा

और पैराग्राफ ग्रुप में हमें एक ऑप्शन मिलती है लाइन स्पेसिंग की जिसे यूज करते हुए हम लोग लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स ये स्टेप मेरे साथ नोट कर लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे होम में और फिर फिर हम लोग जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप और वहां स्टूडेंट्स हमें क्या ऑप्शन मिलती है वहां हमारे पास ऑप्शन तो होती है लाइन स्पेसिंग की ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को जिसकी आप लोग स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं उसके बाद होम टैब और उसके बाद फिर हम जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में और उसके बाद हम लोगों ने कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है स्टूडेंट्स हमने क्लिक करना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बेसिक स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब स्टेप्स लिखने हैं वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के क्या स्टेप्स थे याद कीजिए सबसे पहले इनजाइट टैप को क्लिक करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे कौन से ग्रुप में टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट ग्रुप में स्टूडेंट्स हमें एक ऑप्शन नजर आती है वर्ड आर्ट की उस वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन को जब हम लोगों ने क्लिक करना है तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास काफी सारे स्टाइल्स आ जाते हैं वर्ड आर्ट के जिन में से हम लोग कोई सा भी टेक्स्ट स्टाइल क्लिक करके उसे इनजाइट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ ये स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे इंसर्ट टैब उसके बाद टेक्स्ट ग्रुप और स्टूडेंट्स उसके बाद हमें ऑप्शन मिलती है वर्ड आर्ट की और फिर आप लोग सिलेक्ट करते हैं अपना डिजायर्ड वर्ड आर्ट ठीक है और इस तरह से आप लोग वर्ड आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में इंजर्ट कर सकते हैं चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ टू चेंज शेडो कलर ऑफ द टेक्स्ट हम लोगों ने अगर टेक्स्ट का शेडो कलर चेंज करना हो तो स्टूडेंट्स हम वो किस तरह से करते हैं हमने पढ़ा था कि आप लोग वर्ड आर्ट के जरिए डिफरेंट टेक्सटाइल्स को इंजर्ट करते हैं और उस डिफरेंट टेक्सटाइल्स पर फिर हम लोग शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं याद कीजिए हम लोगों ने किस तरह से किया था स्टूडेंट्स हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग उस वर्ड आर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जब हम लोग उसे सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे टैब बार में एक टैब अपीयर हो जाता है फॉर्मेट टैब ठीक है उस फॉर्मेट टैब में होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जिनमें एक ग्रुप होता है तो स्टूडेंट्स उस शेप स्टाइल ग्रुप में हम लोगों को एक ऑप्शन मिलती है शेप इफेक्ट की ठीक है उस ड्रॉप डाउन को जब हम लोगों ने क्लिक किया था तो स्टूडेंट्स वहां हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी जिनमें से हम लोगों ने शेडो को सिलेक्ट किया था और शेडो से रिलेवेंट सारी ऑप्शन देखी थी वहीं से हम लोगों ने शेडो का कलर भी चेंज करना देखा था तो स्टूडेंट्स चलिए इन सारे स्टेप्स को मेरे साथ आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में नोट डाउन कर लीजिए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे select टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या था उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मेट टैब में और फिर कौन से ग्रुप में जाना है हमने शेप स्टाइल्स में जाना है और फिर कौन सी ऑप्शन थी शेप इफेक्ट्स ठीक है शेप इफेक्ट्स के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन क्या थी शेडो और फिर हम लोगों ने वहां से सेलेक्ट किया था अपना डिजायर्ड कलर फॉर टेक्स्ट शेडो ठीक है स्टूडेंट्स so सबसे पहले हमने क्या किया था सिलेक्ट किया था टेक्स्ट को फिर फॉर्मेट टैब में गए थे फिर शेप स्टाइल्स ग्रुप में गए थे और फिर शेप इफेक्ट्स ऑप्शन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लिक किया था कौन सी ऑप्शन को शेडो को क्लिक किया था जहां से हम लोगों ने अपना डिजायर्ड कलर सिलेक्ट किया था अपने टेक्स्ट शेडो पर अप्लाई करने के लिए तो so स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थे अपने टेक्स्ट में शेडो का कलर चेंज करने के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है चलिए स्टूडेंट्स देखिए मेरे साथ हाउ डू यू चेंज पोजिशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट की आप लोग पोजिशन चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को चाहे कोई पिक्चर है कोई शेप है या कोई सिंबल है स्टूडेंट्स हम लोग उसे क्या करेंगे सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे ठीक है उसे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया टैब हो जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट टैब तो स्टूडेंट्स उस फॉर्मेट टैब में फिर हम लोगों ने देखा था एक ऑप्शन अरेंज का उस फॉर्मेट टैब में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक ग्रुप देखा था अरेंज ग्रुप। उस अरेंज ग्रुप ग्रुप उस में स्टूडेंट्स फिर हमने ऑप्शन देखी थी पोजीशन की जिसके जरिए हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स चलिए ये स्टेप्स मेरे साथ नोट डाउन कीजिए सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और फिर स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे फॉर्मेट टैब में और फिर अरेंज ग्रुप में जाएंगे और फिर स्टूडेंट्स वहां से हम लोग पोजिशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी डिजायर्ड पोजिशन सिलेक्ट कर लेंगे उन में से तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज करने के इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट डी कर लिया है कंप्लीट पार्ट ई आप लोग अपनी बुक्स पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स जिसमें आप लोगों को नजर आएंगे कॉलम्स ठीक है एक कॉलम में आप लोगों को आइकॉन्स नजर आ रहे हैं और दूसरे कॉलम में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को वो टास्क नजर आ रहे हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं उन आईकॉन्स को यूज करते हुए ठीक है स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने उन सारे आईकॉन्स को एमएस वर्ड में सर्च करना है और स्टूडेंट्स उनको यूज करके आप लोगों ने देखना है कि आप लोग उनके जरिए कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने इसे खुद से सॉल्व करके उन आईकॉन्स को आप लोगों ने मैच कर देना है उन टास्क के साथ ठीक है तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज